संजीव माहेश्वरी को या फिर अभी विवेक बिंद्रा को, तो आप सभी लोग जो इतना तेज से ग्रो कर रहे हैं, इतना तेज से, तो उसकी जैसा बनना चाहते हैं तो उसको फॉलो करो। कैसा फॉलो करना है उसको, उसकी तरह बोलना कैसे? बोलने के लिए आपके पास जिगर होना चाहिए, इसमें से जिगर होना चाहिए और दम होना चाहिए कि आपको बोलने में थोड़ा सा, और आपको अच्छा बोलने के लिए आपको, आप बोलोगे तो मेरे आवाज को तो मेरे को पसंद नहीं, तो मैं अच्छी तरह से बोल नहीं पाऊंगा, अच्छी तरह से बोल नहीं पाऊंगा। वही आपका जो अच्छी तरह से बोल नहीं पाऊंगा बोले, वो तो आप हो सकते हैं लोगों, उसको उसी को ही आप जो बोलने की, जो बात करने की तरीका उसको पसंद करेंगे। और एक आप बात बोलूंगा आपको, आपको अच्छी तरह से बोलना, क्लियरली बोलने के लिए आप सुबह उठकर एक ग्लास जरूर गर्म पानी पी। गर्म पानी पीने से लिए ये आपकी जो गला है वो पूरे क्लियर हो जाएगी बोलने मिल गई। उसके बाद आपके जो स्टोमक पर जो जो छोटे छोटे बीमार है वो भी खत्म हो जाएगी। इसके लिए ये जरूर करना। उसके बाद जब पब्लिक स्पीकर बनना चाहती हूँ, शपथ में उधर क्या हुआ, उधर सारे पब्लिक मेरे सामने है, बहुत सारे लोग, 2-3 हज़ार लोग, तो मैं कैसा बनूंगा, बाबा इतना निकाला मैंने, तो इतने ऐसा नहीं। पब्लिक स्पीकर बनने के लिए दो मन है उनमें से जान, क्योंकि सब टाइम आप सोचेंगे कि वो लोग कौन है, वो लोग जो है मैं भी उस तरह के लोग, मैं उसको क्यों, वो तो सर नहीं है क्यों, मेरे को खा जाएगी, ऐसा सोचना है जो आपके मन में। लेकिन आपको पब्लिक स्पीकर बनने के लिए आप पहले से प्रिपेयर होना जरूरी है, वेबसाइट में जाके या 2-3 दिन से पहले पब्लिक स्पीकर जो भी हैं, अभी भी आप जिन जिन पब्लिक स्पीकर को देखते हो तो उनको देखिए, उनकी केस स्टडी लोगी तो बहुत टाइम स्पेंड करते हैं अपने बारे में, अपने उनको इन्वेस्ट करने से पहले, पब्लिक स्पीकर बनने से पहले, पब्लिक पर स्पीच देने से पहले प्रस्तुत करते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हो, कैसे, आप जोर जोर से तेज तेज से बोलना शुरू करो, पहले तेज तेज से बोलना शुरू करो, उसके बाद आप तेज तेज से पढ़ना शुरू करो, तेज तेज से बोलना शुरू करो, तेज तेज से कैसे बोलोगी, आप एक मिरर के सामने जाओगी, मिरर के सामने जाकर क्या करना है कि वहां पर जा बैठना है ऐसा ऐसा इस तरह का, आप क्या करना है कि पब्लिक स्पीकर जैसे बोलना है इस तरह से लेकर आप जहां तक भी जाना, ये बोलना वो बोलना ये नहीं बोलने का जो तरीका है, जो कुछ भी, वो सब आपकी बराबर है, जो जो बोलोगे वो भी, मैंने क्या क्या बोला है तुम भी नहीं, ऐसा मतलब आपको ध्यान से रहना और ध्यान से मुझे फॉलो करना, जो बोलने का, ये जो आप क्या बोलते हो उसकी हिसाब से आपकी बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, उसकी हिसाब से आपका दिमाग होना चाहिए, उसकी हिसाब से आपके आई कांटेक्ट, वो जो लोग बैठे हुए सामने से या पीछे से सब इधर उधर आपको देखना है, या फिर एक एक आप पब्लिक स्पीकर बहुत अच्छा बनने के लिए क्या करना है, फिर पब्लिक को उठाओ, अरे सब उठ जाओ भैया, देख आप देखते हो ना जो नरेंद्र मोदी की स्पीच, भाई और बहनों उठ जाओ और तार मार दो, ताल कदम तार मारो यार, ऐसा जो जो उसको, हम सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करेंगे तो सक्सेस बन पाएंगे, सक्सेसफुल लोगों को फॉलो नहीं करोगे, अनसक्सेसफुल लोगों को फॉलो करोगे, अनसक्सेसफुल लोगों की वीडियो देखोगे तो आप अनसक्सेसफुल ही होगे, उसमें कोई बात नहीं। तो इस आपको पब्लिक स्पीकर बनने के लिए पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आई कॉन्टैक्ट, आपकी स्पीच की शैली, अरे किधर ज्यादा सा बोलना है, ऊंची आवाज बोलना है, किधर धीरे से बोलना है, किधर आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे ऐसे करके बोलना है, आप जितना बॉडी लैंग्वेज आप जो आपकी सामने जो ऑडियंस है उसको दिखाओगी वो इतने आपके ज्यादा प्रेम करेगी, समझ गए। अभी तो अभी से आप शुरू करें कि पब्लिक स्पीकर कैसा बने, और पब्लिक स्पीकर बनने के लिए क्या क्या टिप्स, जरूर मैं सोचती हूँ कि कुछ कुछ टिप्स में थोड़ा सा 2-3-4 टिप्स दे हूँ, ज़्यादा नहीं, आप चाहे तो कमेंट बॉक्स करोगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगी तो मैं उसके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा।
तुम उसके लिए उस तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। और अभी तक नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा तब आपकी सामने आ जाएगी जल्दी से जल्दी।